बैक टू माई चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज का ये जो वीडियो है ये है डेकोरेशन के ऊपर और मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगी मेरे पास जो भी अवेलेबल है वाज। आजकल बहुत सारे मार्केट में अवेलेबल है वाज डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल के और साइज के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप अभी भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो देन प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। ये है फर्स्ट वन और ये देखिए आप कितना छोटा सा है बट बहुत क्यूट और बहुत प्यारा सा है ये। तो ये जो प्रोडक्ट है ये है होम सेंटर का ग्लास वास और ये मैंने होम सेंटर से ही ख़रीदा था और ये सबसे छोटा है मेरे वास का कलेक्शन में और बहुत अच्छा दिखता है। इसका जो कलर है आई थिंक ये ब्लैक और ग्रे कॉम्बिनेशन में है। तो इसका जो साइज़ है ये अराउंड 10 सेंटीमीटर के आसपास होगा और ये दिखने में बहुत अच्छा लगता है। आप चाहे तो इसको एज यूजल ऐसे नॉर्मली यूज़ कर सकते हो या फिर आप इसमें छोटा छोटा जो फ्लावर आर्टिफिशियल फ्लावर आता है उसका भी स्टिक उसमें रख के इसको सजा सकते हो। ये जेट ब्लैक कलर का आता है और इसका शेप देखिए बहुत अच्छा है और मुझे ये बहुत अच्छा लगता है। तो नेक्स्ट जो ये वास है ये भी है होम सेंटर का ही और ये कुछ इस तरह से मैंने इसको सजा के रखा है घर पे और इसके अंदर मैंने एक ग्लास बॉटल में ये मनी प्लांट को रखा है। आप चाहे तो इसको कुछ भी आपके पास अगर आर्टिफिशियल बैम्बो या फिर आप आर्टिफिशियल प्लांट भी हैं इसके अंदर आप इसको सजा के रख सकते हो। तो ये जो वास है ये काफ़ी सुंदर है। इसका जो डिज़ाइन है ये काफ़ी यूनिक है और इसका जो फिनिशिंग है ये पूरा ग्लॉसी फिनिश है और ये दिखने में काफ़ी अच्छा लगता है। आप इसको एज इट इज़ ऐसे ही रख सकते हो और ये आई गेस मैंने अमेज़ॉन से ख़रीदा था बट ये आपको होम सेंटर में भी मिल जाएगा। तो इसका जो साइज़ है ये अराउंड 35 to 40 सेंटीमीटर का होगा और इसका जो मटेरियल है ये आई गेस ब्रेकेबल होगा। तो इसका जो प्राइस है ये है 799 का बट अमेज़ॉन में कुछ डिस्काउंट चल रहा था और ये काफ़ी अच्छा लगा मुझे। नेक्स्ट है ये वाला वास और ये भी देखिए कितना सुंदर है। ये थोड़ा सा हेवी है तो नेक्स्ट है ये होम सेंटर का कॉलोसल टेक्सचर लीफ पैटर्न वास और ये भी मैंने आई थिंक अमेज़ॉन से ही ख़रीदा था और इसका जो कलर है ये भी ब्लैक ही है और ये कुछ इस तरह से मैंने इसको घर पे सजा के रखा है। तो मेरे पास ऐसे होम सेंटर के ही ये आर्टिफिशियल स्टिक्स थे जिसको मैंने इसके अंदर सजा के रखा है और ये काफ़ी अच्छा दिखता है। तो ये देख सकते हो आप कितना अच्छा सा यहाँ पे लीफ पैटर्न बना हुआ है और ये ब्राउन कलर में है और ये काफ़ी दिखने में अच्छा लगता है। और इसका जो साइज़ है ये अराउंड 50 सेंटीमीटर का होगा और ये मतलब बड़ा है और थोड़ा सा हेवी भी है। नेक्स्ट है ये और आप अगर कंपेयर करोगे द ब्लैक के साथ देन ये बहुत हल्का है। तो नेक्स्ट है ये होम सेंटर का मेटल वास और ये गोल्ड कलर में है और इसको आई थिंक हैमर्ड वास भी बोलते हैं और कुछ इस तरह से मैंने इसको अपने घर के कॉर्नर में सजा के रखा है और इसमें मैंने आर्टिफिशियल जो लीफ आते हैं उसको मैंने इसके अंदर रखा है और ऐसे ये काफ़ी अच्छा दिखता है। Thank you.
इस टाइप के भी वास में भी आप कुछ भी आर्टिफिशियल प्लांट या आर्टिफिशियल फ्लावर या फिर लीफ इस टाइप के जो भी आपके पास होगा आप इसको ऐसे सजा के रख सकते हो। अगर चाहो तो उसको आप बिना कुछ रखे भी एज ए डेकोर पीस इसको सजा के रख सकते हो। तो ऐसे जो मेटल के वास होते हैं ये पर्सनली मुझे बहुत पसंद आते हैं और इसके ऊपर ये जो पैटर्न बना होता है ना इससे काफ़ी अच्छा शाइन भी आता है और ये एक घर में एंटिक सा लुक भी देता है। तो काफ़ी अच्छा लगा ये प्रोडक्ट मुझे। तो इसका जो साइज़ है ये 40 सेंटीमीटर के आसपास का है और आप चाहो तो इसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर लेना, मैं सबके लिंक प्रोवाइड कर दूँगी। लास्ट वास जो मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगी वो है ये, और ये काफी बड़ा साइज का है। तो ये है मेरा लास्ट वास और ये सबसे बड़ा वाला वास है और मेरे घर में, और इसको भी मैंने होम सेंटर से ही ख़रीदा था और ये काफ़ी बड़ा है साइज़ में, बट जितना दिखता है इतना हैवी नहीं है, ये पूरा लाइट वेट का ही है। और इसमें भी वही पैटर्न बना हुआ है जिससे ये काफ़ी अच्छा दिखता है, बट ये पहले वाले से थोड़ा बड़ा है, जो पहले वाला था वो थोड़ा मीडियम साइज़ का था और ये थोड़ा सा लंबा है उससे, और ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग मटेरियल है और इसका जो मेटल है ये ब्रेक भी नहीं करता है तो काफ़ी फ्रेंडली है। तो इसका जो साइज़ है ये 60 सेंटीमीटर का है और इसमें भी आप कुछ भी आर्टिफिशियल प्लांट या आर्टिफिशियल बाम्बू स्टिक आप रख सकते हो। ये भी जो बाम्बू स्टिक मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ ये भी होम सेंटर का ही है। तो आप इसको भी इस तरह से सजा के रख सकते हो घर के कोई भी कॉर्नर में और ये काफ़ी अच्छा लुक भी देता है। तो ऐसे जो वास होते हैं आप इसको एज ए डेकोर पीस भी यूज़ कर सकते हो, या फिर आपके पास अगर कोई भी आर्टिफिशियल प्लांट फ्लावर्स भी हैं तो आप इससे भी इसको सजा सकते हो और इस तरह से ये काफ़ी अच्छे दिखते हैं। कुछ मेरे वास का कलेक्शन, आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर आप भी ऐसा कुछ ढूंढ रहे हो देन आप इसको चेक कर सकते हो अमेजोन में या फिर होम सेंटर में, आपको ये इजीली मिल जाएंगे। और फिर चलिए एंड करती हूँ मैं यहीं पे आज का ये वीडियो। ये सब का लिंक मैं आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी, आप उसमें जाके चेक कर सकते हो। फिर चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।